गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू टूडेज लेक्चर ऑफ डिस्टिलेशन बेसिक्स फ्रेंड्स आज डिस्टिलेशन का पहला लेक्चर है इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि डिस्टिलेशन से रिलेटेड सबसे बेसिक्स चीज़ें क्या होती हैं जो डिस्टिलेशन स्टार्ट करने से पहले या फिर डिस्टिलेशन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने से पहले आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है सो so फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से, से शेयर कीजिए सो फ्रेंड्स स्टार्टिंग विथ टूडेज़ लेक्चर डिस्टिलेशन बेसिक्स लेक्चर वन सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिस्टिलेशन होता क्या है सो so फ्रेंड्स याद रखिएगा डिस्टिलेशन इज़ बेसिकली अ यूनिट ऑपरेशन इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर आर सेपरेटेड यूजिंग हीट एनर्जी फ्रेंड्स डिस्टिलेशन में बेसिकली जो आपका एक लिक्विड मिक्सचर होता है उसके अंदर अलग 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 कंपोनेंट्स प्रजेंट हैं तो उनको बेसिकली एक दूसरे से सेपरेट आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी इधर स्टीम हॉट ऑयल वो आप किसी से भी प्रोवाइड कर सकते हैं वो बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स याद रखिएगा कि यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है आपका जो भी कंपोनेंट्स आपको सेपरेट आउट करने हैं उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस है उस डिफरेंस के बेस पे ही डिसाइड होता है कि वो सेपरेशन आपका कितना इजी है या फिर कितनी आपको उसमें प्रॉब्लम्स आने वाली हैं सो फ्रेंड्स बेसिकली द डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एट द सेम टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेपरेशन जैसा कि मैंने आपको बताया इधर आप वेपर प्रेशर के टर्म में बात कर सकते हैं या फिर आप बॉइलिंग पॉइंट के टर्म्स में बात कर सकते हैं फ्रेंड्स जो भी आपका लो बॉइलिंग कंपोनेंट होता है उसका हमेशा वेपर प्रेशर ज्यादा होता है ये आप हमेशा याद रखिएगा सो फ्रेंड्स डिस्टिलेशन में बेसिकली दो कंपोनेंट्स को एक दूसरे से दो या मोर देन टू कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट आउट किया जाता है जो एक लिक्विड मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं बट बेसिक कंडीशन इज़ दैट कि उनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है उसके बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि वो सेपरेशन किस तरीके से होगा और बेसिकली उसमें आपको जो डिस्टिलेशन टावर है उसकी कितनी हाइट लगेगी कितनी वर्थ लगेगी ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली उस कंपोजिशन के बेस पे ही डिसाइड की जाती हैं एक बेसिक सी चीज़ आपको बता देता हूँ कि जितना बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस आपके दो कंपोनेंट्स के बीच में ज़्यादा होगा उतना ही आपको सेपरेशन ईजी होने वाला है फ्रेंड्स यूजिंग दिस टेक्निक इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट आउट अ लिक्विड मिक्सचर इन टू इट्स कंपोनेंट्स इन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म फ्रेंड्स डिस्टिलेशन का यूज़ करके हम कंपोनेंट्स को बिल्कुल एक मिक्स्ड कंपोजिशन से एक हंड्रेड परसेंट प्योर फॉर्म में निकाल सकते हैं ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक डायग्राम में बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दिखाया गया है जहाँ पे हमारे ढेर सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं यहाँ से मैंने अपने क्रूड ऑयल डाला अब देखिए इससे मैं डीजल ऑयल भी निकाल रहा हूँ कैरोसिन भी निकाल रहा हूँ नेक्था भी निकाल रहा हूँ पेट्रोल भी निकाल रहा हूँ बिकॉज फ्रेंड्स डिपेंडिंग अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट्स मैंने हर एक अलग अलग प्लेट्स पर मैंने अलग 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 कलेक्शंस कर रहा हूँ तो डिपेंडिंग अपॉन द टावर हाइट अलग अलग पेड़ से मेरे को अलग अलग कंपोनेंट्स जो मेरे मेन फीड मेन्स क्रूड ऑयल के अंदर प्रेजेंट है वो अलग अलग कंपोनेंट्स मेरे को अलग अलग टावर की हाइट्स पे डिस्टिल के कलेक्ट हो रहे हैं सो so फ्रेंड्स याद रखिएगा कि डिस्टिलेशन में हम हंड्रेड परसेंट प्योर कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट आउट कर लेते हैं एक मिक्सचर से सो so फ्रेंड्स अब अब बात करते हैं डिस्टिलेशन का के बेसिक्स की डिस्टिलेशन के केस में फ्रेंड्स बेसिकली आपका जो फेजेज़ इन्वॉल्व होते हैं वो होता है लिक्विड और गैस फेज जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब एक आपके पास में दो लिक्विड्स का एक मिक्सचर है आप उसको हीट करोगे तो फ्रेंड्स हीट करने पे होता क्या है वो आप समझिएगा जब फ्रेंड्स आप दो मिक्स दो एक दो कंपोनेंट्स के मिक्सचर को आप हीट करोगे तो मान लीजिए एक का बॉइलिंग पॉइंट आपका फोटी डिग्री है या फिर एक का बॉइलिंग पॉइंट आपका एट्टी डिग्री है और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट आपका वन डिग्री है तो फ्रेंड्स जब आप हीट करेंगे तो क्या है आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि बेसिकली जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी वेपोरेट होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो बाद में वेपोरेट होगा तो जब मैं इस मिक्सचर को हीट करूंगा तो जो मेरा वेपर फेज में कंपोजिशन जाएगा उसमें जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट है ये कंपोनेंट फ्रेंड्स मेरा ज़्यादा होगा बट जो हायर बॉइलिंग कंपोनेंट है ये कंपोनेंट मेरा कम हो जाएगा आफ्टर दैट फ्रेंड्स जैसे जैसे मीन्स ये एक्टिविटी मीन्स जैसे मैं रिफ्लक्स रेशियो आपका इंक्रीज करता हूँ जिसलिस टावर में एक होता है रिफ्लक्स रेशियो मीन्स जितना भी मैं आपका जो भी कंटेंट है लिक्विड का जितना भी कंटेंट मैं हीटअप कर रहा हूँ उसमें से कितना कंटेंट मैं वापस टावर में डाल रहा हूँ और कितना कंटेंट मैं कलेक्शन निकाल रहा हूँ इनका बेसिकली रेशियो होता है इसको बोलते हैं आपका रिफ्लक्स रेशियो सो फ्रेंड्स अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इज डिफरेंट फ्रॉम द कि जो भी आपका वेपर फेज में कम्पोजिशन होता है ये आपका लिक्विड फेज के कम्पोजिशन से डिफर करता है जो भी आपका वेपर होता है फ्रेंड्स इट इज ऑलवेज रिचर इन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो मैंने अभी आपको क्लियर किया फ्रेंड्स अगर आपका वेपर कम्पोजिशन और लिक्विड कंपोजिशन बिल्कुल सेम होगा तो किसी भी तरीके से डिस्टिलेशन में कोई भी सेपरेशन होने वाला नहीं है फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि आपका वेपर फेज कंपोजिशन हमेशा लिक्विड फेस कंपोजिशन से डिफर होना चाहिए अगर वेपर फेस कंपोजिशन में हमेशा बेसिकली आपके मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स ज़्यादा जाएंगे अगर आपका वेपर फेस कंपोजिशन और लिक्विड कंपोजिशन दोनों सेम हो जाएंगे तो कभी भी डिस्टलेशन में आपको सेपरेशन नहीं मिलेगा बिकॉज जब भी आप दो लिक्विड्स के मिक्सचर को बॉयल करेंगे तो हमेशा लोअर बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर वेपर फेज में ज़्यादा जाएगा सो फ्रेंड्स ये बेसिकली कुछ बेसिक्स हैं जो आपको जानना जरूरी होता है डिस्टलेशन से पहले फ्रेंड्स ये देखिए वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट जब आप किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं और आप उसको ऊपर से कवर अप कर देते हैं तो वो जो लिक्विड के वेपर्स हैं वो उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाते हैं वो होता है बेसिकली वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड और फ्रेंड्स बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली वो टेम्परेचर होता है जहां पे आपका वेपर प्रेशर जो लिक्विड का होता है दैट बिकम्स इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर नाउ फ्रेंड्स कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि व्हाई टू अप्लाई वैक्यूम इन डिस्टिलेशन कि डिस्टिलेशन के टाइम बेसिकली वैक्यूम लगाया क्यों जाता है सो so फ्रेंड्स याद रखिएगा पहला तो कि डिस्टिलेशन में हम केवल लिक्विड कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट आउट करते हैं ये चीज़ आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए फॉर एनी गिवन प्रेशर अ प्योर लिक्विड एक गिवन प्रेशर के लिए जब भी भी हम किसी प्योर लिक्विड को हीट करते हैं इट विल बॉयल और वेपराइज एट अ सिंगल टेम्परेचर नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट तो फ्रेंड्स जो भी आपका मटेरियल है वो एक सिंगल टेम्परेचर पे बॉयल करेगा एट अ गिवेन प्रेशर वो कहलाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो फ्रेंड्स किसी भी मटेरियल का बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के तो फ्रेंड्स अगर जब मैं प्रेसर आपका इंक्रीज़ करूँगा तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज़ होता है और जब प्रेसर मैं डिक्रीज करूँगा तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता है सो so फ्रेंड्स याद रखिएगा किसी भी मटेरियल के बॉइलिंग पॉइंट को अगर मेरे को वेरी करना है तो मेरे को उस मटेरियल के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है उसको कम या ज़्यादा करना पड़ेगा सो so फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कोई बहुत ही हाई बॉइलिंग लिक्विड है मेरे पास में मेरे को उसको मान लीजिए 400 डिग्री का उसका नॉर्मल टेम्परेचर है मेरे को उस टेम्परेचर को अगर रीच करना है तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्टीम या फिर हॉट ऑयल जिससे भी मैं वो टेम्परेचर रीच करूँगा वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी देगा तो फ्रेंड्स उससे बेस्ट है कि मैं उसके उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है जो नॉर्मली एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसको मैं ड्रॉप करके फुल वैक्यूम में कर दूंगा जिससे वो बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है मेरा डिक्रीज हो के वन फिफ्टी तक आ जाएगा जिसकी वजह से जो मेरे को हीट एनर्जी उसमें सप्लाई करनी पड़ेगी वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिड्यूस हो जाएगी सो so फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप करने के तो फ्रेंड्स पहला एडवांटेज होता है आपकी पावर सेव हो रहा है सेकंड एडवांटेज होता रहा है आपकी यूटिलिटी सेविंग हो रही है थर्ड एडवांटेज फ्यू मटेरियल्स डिकम्पोज एट हायर टेम्परेचर कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो आपके हायर टेम्परेचर्सर पर डिकम्पोज हो जाते हैं आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी तो इसमें आपको उसमें भी बेनिफिट मिलता है बॉयिंग पॉइंट रिड्यूस करने का नेक्स्ट इज लो हाई बॉयलर फॉर्मेशन फ्रेंड्स हायर टेम्परेचर पे बेसिकली आपका मटेरियल डिकम्पोज होकर कई बार हाई बॉयलर्स बना देता है तो आपको ये भी एक एडवांटेज मिलता है कि कोई भी हाई बॉयलर नहीं फॉर्म होता है अगर आप लोअर टेम्परेचर पर किसी भी मटेरियल को डिस्टिल करते हो सो so फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि ड्राइविंग फोर्स कौन सी होती हैं जो बेसिकली डिस्टिलेशन को ड्राइव करती है सो so फ्रेंड्स जब भी दो फेज जो एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में नहीं होते हैं जब इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाता है तो वो हमेशा एक इक्विलिब्रियम के स्टेज को अप्रोच करना चाहते हैं जो मेन ड्राइविंग फोर्स होती है आपके डिस्टिलेशन के केस में सो so फ्रेंड्स इसके केस में क्या रहेगा द डिफरेंस बिटवीन द एग्जिस्टिंग कंडीशन एंड द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज़ द मेन ड्राइविंग फोर्स दैट कॉज अ चेंज फ्रेंड्स इसके केस में जब आप मटेरियल को हीट करते हैं तो जो आपका वेपर फेज है उसमें आपका मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स ज्यादा होते हैं और लेस वोलेटाइल कंपोनेंट कम होते हैं बट जो आपका लिक्विड फेज है उसमें आपका जो रहता है वो लो वोलेटाइल कंपोनेंट आपका ज्यादा कम रहता है और मोल लो वोलेटाइल कंपोनेंट आपका ज्यादा रहता है और मोल वोलेटाइल कंपोनेंट आपका कम रहता है सो so फ्रेंड्स ये जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट होते हैं दिस आर द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर मास ट्रांसफर एस टेम्परेचर डिफरेंस इज फॉर द हीट ट्रांसफर सो फ्रेंड्स ये जो आपका अलग अलग कंपोजिशंस आपको मिलते हैं इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज ये जो कंपोजिशंस का डिफरेंस होते हैं ये बेसिकली यहाँ पे मेन ड्राइविंग फोर्स होती है जो डिस्टिलेशन को ड्राइव करती है नाउ फ्रेंड्स एक टर्म आपने सुना होगा रिलेटिव वोलेटिलिटी अब फ्रेंड्स ये इस टर्म को लेके काफी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है सो फ्रेंड्स रिलेटिव वोलेटिलिटी इज बेसिकली द मेजर ऑफ सेपरेबिलिटी बाई डिस्टिलेशन फ्रेंड्स जो रिलेटिव वोलेटिलिटी होती है जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं ये फ्रेंड्स हमको बेसिकली ये बताता है ये एक मेजरमेंट होता है कि जो भी मटेरियल्स को हम सेपरेट आउट कर रहे हैं वो डिस्टिलेशन से एक दूसरे से सेपरेट होने की कितनी टेंडेंसी रखते हैं फ्रेंड्स ये बेसिकली एक रेशियो होता है ऑफ वोलेटिलिटी ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू लेस वॉलेटाइल कम्पोनेंट फ्रेंड्स अगर अल्फा की वैल्यू आपकी मीन्स रिलेटिव वोलेटिलिटी की वैल्यू आपकी इक्वल टू वन होती है दैट मीन्स कि डिस्टिलेशन सेपरेशन पॉसिबल है ही नहीं फ्रेंड्स रिलेटिव वोलेटिलिटी की वैल्यू जितनी वन से बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा आपका इजियर डिफ्टिलेशन होता है सो so, फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको दो कंपोनेंस को सेपरेट आउट करना है तो रिलेटिव वोलेटिलिटी की वैल्यू जितनी मैक्सिमम होगी उतना ही आपको डिस्टिलेशन इजी होता है नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन की सो so फ्रेंड्स अगर हम टाइप ऑफ डिस्टिलेशन की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें आएगा आपका एटमोस्फेरिक डिस्टिलेशन जिसमें हम जो हमारा डिस्टिलेशन टावर होता है वो नॉर्मल एटमोस्फेरिक कंडीशन पर ऑपरेट करता है सेकेंड होता है मेरा फ्रेंड्स वैक्यूम डिस्टिलेशन इसमें जो भी मेरे मटेरियल्स हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट को बेसिकली मैं रिड्यूस करता हूँ वाया अप्लाइंग वैक्यूम विद द हेल्प ऑफ स्टीम जैक इजेक्टर्स और वाटर जैक इजेक्टर्स जिससे जो मेरा बॉलिंग पॉइंट है वो बेसिकली रिड्यूस होता है थर्ड वन इज़ बैच स्विंग डिस्टिलेशन प्रेसर स्विंग डिस्टिलेशन फ्रेंड्स प्रेसर स्विंग डिस्टिलेशन केस में बेसिकली आपके अलग अलग डिस्टिलेशन टावर्स रहते हैं जिसमें से एक प्रेसर पे ऑपरेट करता है तो दूसरा वैक्यूम पे फोर्थ वन इज़ फ्रेंड्स बैच डिस्टिलेशन जहाँ पर आप कंटेंट को एक बेसिकली एक कैटल में डाल देते हो और बॉयल ऑफ करते हो सो फ्रेंड्स ये होता है आपका बैच डिस्टिलेशन कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन में आपके लगातार एक के बाद एक टावर्स चलते रहते हैं जिसमें एक की जब प्रोफाइल्स आपको अचीव होती हैं तभी आप दूसरे टावर्स में फीड डालते हो नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स आपका एजियोटॉपिक डिस्टिलेशन एजियोटॉपिक डिस्टिलेशन में फ्रेंड्स आपका आप एजियोटॉप को ब्रेक करने के लिए एक थर्ड सब्सटेंस डालते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के, के केस में फ्रेंड्स आपके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो आप एक दूसरे से सेपरेट आउट करते हो फ्रेंड्स स्टीम डिस्टिलेशन के केस में बेसिकली आप लाइव स्टीम की पर्जिंग करते हो इसकी वजह से आपका जो वेपर प्रेसर है वो अलग अलग कंपोनेंट्स का अलग अलग होता है जिससे आपको सेपरेशन मिलता है सो so फ्रेंड्स ये सारे के सारे टाइप्स के जो डिस्टिलेशन होते हैं इनको मैं वन बाई वन करके अपने आगे के लेक्चर्स में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगा सो फ्रेंड्स होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि बैच डिस्टिलेशन क्या होता है और उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं सो फ्रेंड्स होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा सो फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय हैव अ नाइस डे